मुझे लगता है कि आप सभी ने अन्ना आंदोलन भी देखा होगा, जो लोकपाल बिल को लेकर आपका किया जा रहा था, और आप लोगों ने किसान आंदोलन भी देखा हुआ है। देखिए, इसमें ऐसा माना जाता है कि अन्ना आंदोलन में जो रणनीति काल थे वो आपकी योगेंद्र यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों, इस तरह के लोग थे। और आप देखिए कि कोई भी आंदोलन हो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे एक लंबे समय तक खींचना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें अगर आप देखें तो डायरेक्ट ना कहें आप, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से योगेंद्र यादव के दिमाग की ही उपज भी मानी जा रही है कि कहां किस तरह की रणनीति बनाना है, क्या करना है। ये आप देखिए कि आगे से तो आप देखते हैं कि नए एक तरह से जो मीटिंगें होती हैं डायरेक्ट सरकार के साथ, उसमें शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इनके दिमाग की उपज के कारण ही ये आंदोलन सफल हो रहे हैं, या फिर कहिए कि इतने लंबे समय तक आंदोलन खींच रहे हैं। तो आप में से कई लोगों ने कहा कि योगेंद्र यादव के बारे में बात तो करिए, आखिर ये है कौन, कहां से निकले हुए हैं योगेंद्र यादव? क्योंकि अगर आप लोग न्यूट्रल होके देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप समझ भी सकते हैं कि योगेंद्र यादव एक सामाजिक विज्ञानी कह लीजिए, क्योंकि देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हमारे देश की सामाजिक जो भी ताना वाना हो उसे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और आपको बता दूं, योगेंद्र यादव को कई भाषाएं आती हैं। अभी आपने पश्चिम बंगाल चुनाव में भी देखा होगा, तो चलिए इन्हें देख लेते हम लोग, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी देख लीजिए, कहते हैं शुरुआती सफलता जो आम आदमी पार्टी को मिली हुई थी उसमें योगेंद्र यादव की रणनीति भी कुछ हद तक सही थी, और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में इनका भी योगदान है। लेकिन आगे चल के आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी से ये अलग हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये है आपकी योगेंद्र यादव। इन्हें आप लोग योगेंद्र सिंह यादव के नाम से जानते हैं और इन्हें सलीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? योगेंद्र सिंह यादव को उपनाम एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। 5 सितंबर 1963 को इनका जन्म होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, और उसके एक साल बाद योगेंद्र यादव का जन्म होता है भारत में। जन्म स्थान की बात करें तो रेवाड़ी हरियाणा में इनका जन्म होता है। एक बार आपको दिखा देता हूं, रेवाड़ी हरियाणा, ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली, और ये आपका हरियाणा है, ठीक है? यही। और आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था ये सबसे पहले हरियाणा से ही शुरू हुआ था, आप समझ रहे हैं? इनके अगर हम पिता की बात करें तो देवेंद्र सिंह यादव इनके पिता और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, तो काफी पढ़े लिखे हैं। इनकी अगर हम पत्नी की बात करें तो मधुलिका बनर्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो बीए राजस्थान से इन्होंने, राजस्थान विश्वविद्यालय से किया हुआ है। आप देखते हैं ना कि आप लोग ट्वेल्थ के बाद कोई बीए कर लेता है, कोई बीएससी कर लेता है, तो उसी तरह से इन्होंने बीए किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे एमए इन्होंने किया है जेएनयू से, फिर उसके बाद ये एमफिल करते हैं पंजाब विश्वविद्यालय से, यानी कि आप कह सकते हैं कि योगेंद्र यादव काफी पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे हैं तभी आप देखिए कि इतने रणनीतिकार हैं, चुनावी विश्लेषक भी हैं। इन्हें जितनी आप लोग उपाधि दें उतनी कम है। व्यवसाय की बात करें तो सामाजिक वैज्ञानिक, चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक है। और इनके कामों के कारण आप देखेंगे देश विदेश से इन्हें पुरस्कार भी मिले हुए हैं। 2008 में विकास अध्ययन के लिए मैल्कम आदि से एशिया पुरस्कार मिला था इन्हें, और 2009 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान संघ द्वारा ग्लोबल साउथ सॉलिडरिटी अवार्ड से भी इस सम्मानित किए जा चुके हैं। और पार्टी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन होता है तो उस समय ये आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता रहे हैं।
ये रहते हैं आम आदमी पार्टी से 2015 तक जुड़े रहते हैं, फिर 2015 में ये आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं, आम आदमी पार्टी से अलग हो जाते हैं और एक संगठन बनाते हैं स्वराज इंडिया, ये 2015 में। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अभी खासकर इनकी स्वराज इंडिया ये संगठन ज्यादा कहीं चुनाव लड़ा नहीं है, क्योंकि अभी ये भी जान रहे हैं कि परिस्थिति अभी इनके अनुकूल नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इनका भी एक स्वार्थ कर लीजिए जो भी कहना हो आपको, अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनों आंदोलन से जुड़े रहते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इन्हीं को लेकर आंदोलन जीवी कर दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि आपने देखा है योगा योगेंद्र यादव आपका अन्ना आंदोलन हो या किसान आंदोलन हो, इस तरह के देश भर में और कोई आंदोलन होता है तो उसमें एक तरह से ये सपोर्ट के लिए पहुंच जाते हैं, ये रणनीति बनाने के लिए पहुंच जाते हैं और इनकी रणनीति काफी हद तक सफल भी रहती है। अगर हम लोग इनके राजनीतिक यात्रा की करें बात, तो 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी अभियान में शामिल हुए अन्ना आंदोलन में, 2012 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के रूप में काम भी किया हुआ है। 2014 में उन्होंने गुड़गांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन आपको बता दूं कि इन्हें इस समय सफलता नहीं मिली। और सफलता ना मिलने का कारण एक और था, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री मोदी की लहर काफी तेज थी और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के मोदी की लहर के आगे बड़े बड़े दिग्गज उड़ गए, यानी कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। और आप देखिए कि इनके नाम पर अगर कोई भी वो चुनाव लड़ गया तो वो चुनाव जीत गया जिन्हें कोई नहीं पूछता था। एक तरह आपसे कह सकते हैं कि एक समय जिस तरह से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर चुनाव लड़ते थे लोग और चुनाव जीत जाते थे, तो उसी तरह आप कह सकते हैं कि मोदी की हवा काफी तेज थी। लेकिन एक बात और आपको बता देता हूँ, कई लोगों को शायद इतिहास ना पढ़ा हो या व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप इतिहास पढ़ा हो तो उन्हें मालूम नहीं होगा, बीजेपी से कहीं ज्यादा बहुमत रहा है कांग्रेस के पास, इसलिए मुझे लगता है कि घमंड नहीं करना चाहिए। और जब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इतनी मजबूती मजबूत हुआ करती थी इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के समय कि उसके सामने बीजेपी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जनता बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है। जनता आपको राजा भी बना सकती है और भिखारी भी बना सकती है, आपको कुर्सी भी दे सकती है और कुर्सी से उठा के फेंक भी सकती है। तो इस बात को मुझे लगता है जरूर आपको समझ लेना चाहिए। और आपको बता दूं कि 1975 से 77 के समय जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इंदिरा गांधी को भी यही घमंड था कि हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि 1977 के बाद जो इमरजेंसी के बाद चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस तो हारती ही बुरी तरह से, इंदिरा गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाते हैं, अपनी सीट हार जाती है। तो आप समझिए कि जनता बहुत, और याद रखिए 2014 में देखिए आप लोग प्रधानमंत्री के आने का एक विकल्प मिलने का अन्ना आंदोलन का भी काफी भूमिका रही है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए जहां तक मैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन कहीं कई हद तक अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई तो किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे देश में खड़े हुए हैं, अब विपक्ष किस तरह से मुद्दे निभाता है और देखिए रणनीति बनाता है, ये अब देखने वाला समय रहेगा। प्रशांत किशोर हों, योगेंद्र यादव हों, इस तरह के लोग रणनीति बनाते हैं और आप सोचिए अगर ये लोग राजनीति में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती और किस तरह से रणनीति बनाकर ये सफल भी हो सकते हैं। आप देखते हैं मोदी की सफलता में कहीं हद तक आप लोग प्रशांत किशोर को भी तो जोड़ते हैं कि जब 2014 की लोकसभा चुनाव का प्रशांत किशोर ने ही रणनीति बनाई हुई थी, क्योंकि
खैर आप देखिए छोड़िए क्या है, 2015 में इन्होंने एक नए राजनीतिक संगठन स्वराज इंडिया का गठन किया हुआ था, आनंद कुमार, अजीत झा और प्रशांत भूषण के साथ। और प्रशांत भूषण को भी आप लोग जानते होंगे, समझ रहे हैं, और प्रशांत भूषण एक वकील हैं और आप देखिए एक शानदार वकील हैं, तो आप सभी लोग इनके बारे में भी जानते होंगे। तो यही कहानी है योगेंद्र यादव की। और भी अगर आप लोगों को किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और हम लोग काफी नेताओं के बारे में बात कर चुके हैं, आजादी से अभी तक लेकर आपके प्रधानमंत्रियों को भी देख चुके हैं, राष्ट्रपतियों को भी देख चुके हैं, अभी भी जो चर्चा में उन नेताओं के बारे में बात कर चुके हैं। और इसके लिए आपकी एक सूची ही बना दी है, जीवनी के नाम से, बायोग्राफी के नाम से, तो उसमें सभी डले रहेंगे। आप लोग जब मन करे देखते रहिएगा, ठीक है। और आपको भी अगर आपके राज्य में लगता है कोई नेता है उसके बारे में कुछ ठीक पोजीशन पर हो या स्थिति उसकी ठीक हो, तो उस पर हम लोग जरूर बात करते रहेंगे, ठीक है।